उत्तर प्रदेश की राजधानी में शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई तरह के वादे किए, जिन वादों को लेकर शिक्षा मित्र पिछले 17 दिनों से राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शिक्षा मित्र सड़कों पर उतर आए। पूर्व की समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपए वेतन देने का काम किया था। अब आपको बता दें कि शिक्षा मित्र आखिर कौन है और कहां से आ गए। कल्याण सिंह की सरकार ने शिक्षा मित्रों को बनाया था, यानी यूं कहे बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार शिक्षा मित्रों की जनक रही। सत्ता परिवर्तन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने और अखिलेश यादव ने इन्हें 40,000 रुपए वेतन देने का काम किया। शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। हमारे प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों का गठन किया गया। और पहले तो कई आसानी से शिक्षा मित्र पद पर शिक्षक चयनित हो जाते थे, लेकिन वर्तमान में कई तरह की परीक्षाएं देने के बाद शिक्षा मित्र का पद मिलता है। और ये किसी भी तरह से सरकारी पद नहीं, मतलब विद्यालय में पढ़ा रहे एक सरकारी टीचर के मुकाबले कुछ भी वेतन भी नहीं दिया जाता। संविदा कर्मी के रूप में भी इन शिक्षा मित्र को नहीं देखा जाता। पूर्व की सरकार ने 40,000 देने का काम किया, अब बीजेपी सरकार इन्हें 10,000 पर लाकर खड़ा कर चुकी है। और 10,000 देने के बाद भी बीजेपी सरकार के वादे और दावे यह है कि हमने 3500 से 10,000 आपको देने का काम किया। ये वही शिक्षा मित्र है जिनकी चुनाव में ड्यूटी भी लगती है। पंचायत चुनाव हो चाहे कोई भी यूपी का इलेक्शन हो, इन इलेक्शन में शिक्षक ड्यूटी भी करते हैं। सभी विभागों के लोग ड्यूटी चुनाव में करते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का एक बड़ा बयान आता है। शिक्षा मित्रों की एक आसान और सरल मांग थी कि मानदेय को बढ़ाकर 15,000 कर दिया जाए। इसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षा मंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के मानदेय नहीं बढ़ सकता है, और 15,000 नहीं 1,000-2,000 भी नहीं बढ़ सकता। बीएसपी के एक नेता ने सदन में आवाज भी उठाई तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि आप अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठा रहे। कैसी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, राम राज है, लेकिन शिक्षक सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी नया मामला है जहां शिक्षा मित्र की कुछ महिलाएं जिन्हें 25 अंक ना मिलने की वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, जिसको संवैधानिक नाम दिया गया है भरांग। भरांग की मांग को लेकर भी 138 महिलाएं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है, कड़कड़ाती हुई ठंड है, और ओमिक्रोन जो कहीं ना कहीं कोरोना का एक नया वेरिएंट है वो भी आ चुका है, लेकिन चुनावी रैलियों पर इसका कोई खासा असर नहीं। कुछ दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। देखने की बात है कि 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, योगी सरकार से उम्मीद लगा रहे। न्यायालय ने तो उनकी मांग को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी इस आस पे बैठे हैं कि शायद पूर्व की सरकार जब 40 दे सकती थी तो योगी सरकार तो कुछ ना कुछ बढ़ा ही देगी, लेकिन शिक्षा मित्रों की सारी बातें सारे दावे फेल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के लिए बड़े बड़े वादे किए, शिक्षा मंत्री ने वादे किए, अमित शाह ने वादे किए, यहां तक देश के प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं, उन्होंने भी वादे कर दिए। हाल ही में हमने मोहनलालगंज के सांसद से जब बात की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों से किसी भी तरह का वादा नहीं किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की मांगों पर कोई कदम उठाया जाए, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों की मांगों पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे। हम आपको दिखाते हैं कि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज शिक्षा मित्रों ने किस तरह से आंदोलन किया, और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी की खिलाफत करते ही नजर आ रहे हैं शिक्षा मित्र। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ तो बनी,
लेकिन कई वर्गों से किए गए बड़े बड़े वादे और दावे सरकार के 5 साल पूरा होने के बाद भी पूरे नहीं हो पाए। शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले को लेकर अभी तक जांच नहीं हो पाई है। वही 138 शिक्षा मित्र भरांक की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई शिक्षा मित्र मानदेय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वेतन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में पिछले 17 दिनों से शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों से बीजेपी सरकार के कई दिग्गज नेताओं ने वादे किए, यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री ने भी कई वादे कर डाले और 1 लाख से अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की है। कुल मिलाकर 1,80,000 शिक्षा मित्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने जहाँ एक और बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन शिक्षा मित्रों पर आज भी बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं। अब देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन से पहले सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, इसका खामियाजा क्या बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा या शिक्षा मित्रों के लिए सरकार उनकी मांगों पर खरा उतर पाएगी। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। एक शिक्षा मित्र जिनको भरांक नहीं दिया गया, इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि हमें भरांक नहीं मिला है। 138 शिक्षा मित्र है, लगातार कई दिनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार रोड पर चल रहे हैं और आज मजबूर होकर से बाहर रोड पर आ गए हैं। ये लोग 70,000 शिक्षक भर्ती में इनको 138 शिक्षा मित्रों को भरांक नहीं मिला है, वो लोग रोड पर आ चुके हैं। माता की और ये विरोध प्रदर्शन एक नया रंग लाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को, ये एक नया रंग देगा, क्योंकि यही लोग जब गांव पहुंचेंगे, ये लोग जब गांव पहुंचेंगे तो लगातार ये गांव में भी बूथों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रोजी रोटी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है, झूठे वादों की सरकार, जुमले वादों की सरकार, नहीं चलेगी, जुमले वादों की सरकार, नहीं चलेगी। योगी अपना वादा वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार अपना वादा वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार अपना इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी लोग। इको गार्डन से लाइव हम लोग कवरेज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने अपने हाथों में बैनर ले रखे हैं, एक कसक जिनने निगली 16 शिक्षा मित्रों की जान। ये देखिए, ये जो शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की फांसी लगाई है उसका फोटो है। और भरांक हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 138 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको भरांक का लाभ नहीं दिया गया, उनके हक को सरकार खा रही है, क्योंकि सरकार खा रही है जो 138 हमारे लोग हैं और 1,65,000 शिक्षा मित्रों के हक का हकों को सरकार खाने का काम कर रही है, जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं किए। प्रधानमंत्री जी का वायदा है और आज हम प्रधानमंत्री जी को उनके वायदे से मुक्त कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। अब उनसे उनका वायदा याद दिलाने कभी नहीं आएंगे और हम भी अब उनके वायदे से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। देश का मुख्यमंत्री झूठा है, देश का गृह मंत्री झूठा है, जब सारी झूठी है तो अब हमें इनसे कोई आशा नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने वादे किए थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, आप देखिए, आज हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस वालों को आगे कर दिए, 2 किलोमीटर तक हम लोग गए हैं और वहाँ से वापस हमको धकेल दिया है, ये कह करके कि चाहिए नहीं तो बहुत मारेंगे। तो हमने कहा लाठियां भी चला लीजिए, तो बेचारे लाठियां भी नहीं चलाए डर के मारे, ये ऐसा ना हो कुछ हो जाए। खैर, हम लोग अभी बैठेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आज ये शपथ लेके जाता है यहाँ से, इको गार्डन से आने वाले विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा और एक एक शिक्षा मित्र इस सरकार से जो वादे किए थे उस सबका हिसाब लेगा। और आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अपने हाथरस जनपद की तरफ से केवल सूर्य नहीं कायर है जो रण में डट के हट जाए, और वो मर्द नहीं जा मरते हैं जो कह के बात पलट जाए। एक एक शिक्षा में अपनी जुबान पर रहेगा, अपनी आन पर रहेगा, अपने मान पर रहेगा और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, फिर से शिक्षा मित्र गेट की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ इको गार्डन में कई कई महीनों से बहुत से संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन में लगातार पानी भरा हुआ था और इस दौरान आपने देखा शिक्षा मित्र पानी बरसने के दौरान भी लगे रहे, बैठे रहे। देखिए प्रशासन से लोग जीत के बाद शिक्षा मित्र एकता, मित्र एकता, मैंने डाल के देख लिया था, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो? शिक्षा मित्र से सरकार ने वादा नहीं किया था और सरकार ने ये जरूर शिक्षा मित्रों से कहा था कि भाई हमसे जो मदद होगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 3500 रुपया उनका हो गया था, हमारी सरकार ने बढ़ा के 10000 रुपये उनका किया, 2000 फिर बढ़ाया, 12000 कर दिया। अभी आने वाले समय में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से और गलत तरीके से चूँकि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित किया अखिलेश यादव की सरकार ने, जिसकी वजह से ये परिणाम आए सामने। अगर वो उनको टेक्निकल तरीके से सब निर्णय लेकर के और उनको सहायक अध्यापक के बजाय शिक्षा मित्र के ही पद पर उनका वेतन बढ़ाने का काम करते तो निश्चित तरीके से वो नियमित भी रहते और उनके साथ ऐसी घटना कोर्ट के द्वारा नहीं होती। हमारी सरकार उस पर विचार कर रही है और शिक्षा मित्रों को पूरी मदद करने का काम हमारी सरकार कर